बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार आज से क्या सुनाई नहीं देता आपको? क्या प्रॉब्लम है? मैं दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। बस भाई बस, इतनी तालियां आज क्या दादा कव्वाल आ गए हैं? अरे भाई, मोहब्बत और प्यार है आपका जो आप यहाँ तशरीफ लाए जहमत की, और अपनी मोहब्बतों से आप हमेशा नवाजते हैं मुझे। मैं ज़ाती तौर पे इसका मशकूर और ममनून हूँ। और हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और हर दफ़ा एक टॉपिक उठाते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, मेहमानों को उसमें ले आते हैं, और वो आप लोगों के साथ ताल्लुक होता है उस बात का जो मैं करूँगा। हमारी आज को होस्ट जो हमारे साथ बैठी हुई है तशरीफ फरमा है। मैं यहाँ हूँ, वहीं देख रहा हूँ। आपको पता है आपके प्रोग्राम में जल्दी आने के लिए मैंने दो सिग्नल तोड़े आज। तोड़ी थी? हाँ। नहीं मतलब तोड़ दिए? नहीं। अच्छा, खिलाफ वर्जी की उसी? जी जी, तोड़ दिए। हाँ, मैंने कहा निकल जाओ भाई, कौन रोकेगा, कौन पूछेगा? कोई रोका भी, अगर रोक भी लिया तो कितने का रोकेगा? 200 रुपए का। लेकिन नहीं, जल्दबाजी अच्छी चीज नहीं है। हमें जल्दी होती है, इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता गाड़ी आपकी वजह से, अल्लाह ना करे, आप लोगों को भी चोट लग सकती है जो जल्दबाजी का शिकार होते हैं। आधा टोस मुंह में, कप हाथ में, घर से मियाँ निकल रहा होता है, बीवी अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। उसको वहां कहना चाहिए बीवी को, पुलिस के हवाले। हर बात में जल्दबाजी है, एक बात में जल्दबाजी नहीं है कि जिससे रकम उधार ली है लौटाने ही जल्दी नहीं है। हुकूमतों का भी यही हाल है, सारी दुनिया के हम पे कर्जे चढ़े हुए हैं, हुकूमत वापस नहीं कर रही, लेने जहाज भर के जाते हैं ब्रांडेड सूट पहने हुए और कर्जा लेने जा रहे हैं। अरे ये क्या तरक्की हुई यार, वापस करने की जल्दी किसी को नहीं है। ये तो फरिश्तों के पास इस किस्म के औजार हैं कि वो रूह निकाल लेते हैं, वरना हमारे लोग तो रूह भी वापस ना करें। खवातीन इसमें बच जाती हैं क्योंकि ये सारा दिन तो मेकअप करके फिरती हैं, रात को मुंह धोया सो गई, फरिश्तों ने देखा, अरे ये तो कोई और है यार। इस बात पे बचती हैं औरतें, आप मुंह धो के सोती हैं या? मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती। मेकअप नहीं करती आप? नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी। मेरी तरह। एक आदमी मुझे बोल रहा है, यार पाकिस्तानी चांद पे क्यों नहीं गए? मैं इनको जाने नहीं दे रहे क्योंकि ये खाली प्लाट के दुश्मन है। हो सकता है वहाँ भी कुछ बन जाए, तो ऐसा ना बनाए, वहाँ अच्छा घर बनाए ऊपर, उसके पास जिसके पास जाना है रहना है वो अच्छा घर बनाए, और वो इखलाक से, मोहब्बत से, प्यार से बनता है और हुस्न सलूक से बनता है। और इन सारी बातों में जो मैंने की है, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं क्या करूँ, लग जाए। क्या करता है? इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा,
क्योंकि मैं थोड़ा सा बातें करता जरूर, लेकिन यहाँ आपके लिए गुड न्यूज है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। क्या? वो गुड न्यूज ये है कि हम यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फा लेंगे और वापस आएंगे और वापस आकर आपसे दोबारा अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू करेंगे। क्या कहते हो? हाँ बोलो ना बोलो बोले हाँ 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 बुरी बात है कहिए जी जी। तो लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा। डोंट गो एनीवेयर, वी विल राइट बैक। अरे चंदन की डार आ गयो रे, अरे जाने क्या बात कह गयो रे। शादीशुदा लोग क्यों आते हैं हमारे प्रोग्राम में? बाहर मुल्कों के अंदर लोग उड़ाते बार डिसाइड करते हैं कि शादी करें या ना करें। यासिर भाई बड़े भाइयों की तरह मेरे, मैं साइज में कह रहा हूँ साइज में, और मुझे वो काम में भी बहुत बड़े लगते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब हम ब्रेक पे गए थे तो जल्दी में गए थे, आए भी जल्दी में वापस, और आज का प्रोग्राम भी जल्दी में है जल्दी। तो मैं जिन दो फनकारों को यहाँ बुला रहा हूँ, उन्होंने भी बहुत जल्दी बड़ी तेज़ी से तरक्की की, अपना एक मकाम बनाया, फिर एक घर बनाया और फिर एक साथ जिंदगी गुजारने का अहद किया। उन्होंने एक इतनी कामयाब फिल्म कराची में बनाई और उस फिल्म की वजह से उन्हें शोहरत इज्जत हासिल हुई, पूरी फिल्म को हुई, सारे आर्टिस्टों को हुई, लेकिन पाकिस्तान को एक खूबसूरत कपल मिल गया, एक अच्छा हीरो और एक अच्छी हीरोइन मिली, दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं चाहता हूँ मैं उनके साथ बैठ के बात करूँ, तब मज़ा आएगा। भरपूर तालियाँ, तशरीफ लाएंगे जनाब मोहतरम। मुझे तो वो फिल्में भी अच्छे लगे, मिलने में भी अच्छे लगे, बहुत अच्छे हैं जनाब दानिश तैमूर और आयजा खान। अरे चंदन की डार आ गयो रे, अरे जाने क्या बात कह गयो रे। अरे चंदन की डार आ गयो रे, अरे जाने क्या बात कह गयो रे। बच कर ना दे जरा बच कर ना दे, आफत हूँ मैं जरा हट कर ना दे। ढोल बजेगा सारी रात सेल्फियां रे सेल्फियां, ए हाय मेरी सेल्फियां, सेल्फियां रे सेल्फियां, अरे मेरी सेल्फियां, अरे बिजलियां हैं बिजलियां, अरे मेरी सेल्फियां। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग अस सर, वेलकम, थैंक यू सो मच, और आपके आने का शुक्रिया, आपके बुलाने का शुक्रिया। आप उधार नहीं लग रही फौरन वापस। अच्छा आप तशरीफ लाए और इतना बहुत सा वक्त और इतनी बहुत सी अपनी मसरूफियत में से आपने निकाला, बड़ी बात है। हम सब एक बार फिर आपको अपनी तालियों में खुशामदीद। बहुत एक आपसे मुलाकात नहीं हो सकी फिल्म के बाद, वो उसकी मुबारकबाद भी कबूल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
और मैंने भी आपके इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को एक बड़ा खूबसूरत सा बच्चा मिल गया, हीरो बच्चा या हीरो 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 बेहतरीन हीरो मिला, एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट मिल गई और एक हीरोइन मिल गई, वो जो एक मशीखी स्टाइल है जी हाँ जी हाँ, इनके अंदर वो इतना कोई मैंने वो लुक नहीं देखा जो कि कोई बोल दें वो नहीं आ रही, मतलब एक बड़ी एक इस वक्त की जरूरत ऐसी हीरोइन है जी। इनसे शादी करने की वजह एक ये भी थी, काफी मशहूर की इनसे आपकी शादी हो गई। यार ये क्या चक्कर है, क्या हो रहा है, शादीशुदा लोग क्यों आते हैं हमारे प्रोग्राम में? लेकिन शादी फाइनली हो ही जाती है जी हाँ, नसीब में होती है तो हो जाती है। नहीं, नसीब में हमारे यहाँ नहीं भी होती तो लोग नसीब बना लेते हैं उसको। लेकिन थोड़ा सा फर्क है हमारे यहाँ और बाहर मुल्कों में, हमारे यहाँ शादी के बाद अल्लाह ताला औलाद देता है और उन बाहर मुल्कों के अंदर लोग औलाद के बाद डिसाइड करते हैं कि शादी करें या ना करें। अच्छी बात, बहरहाल आप दोनों को इंतहाई खुश आमदीद कहने के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक अच्छी फिल्म देके पाकिस्तान की सारी टीम को क्रेडिट जी। ये वो फिल्म है ना नदीम बेग की? नहीं नहीं सर, ये यासिर भाई की है। अच्छा, यासिर भाई बड़े भाइयों की तरह मेरे और वो यहाँ वैसे मेरा बड़ा भाई, बहुत बड़ा मुझसे really? फिर है मैं इसलिए मैं कहता हूँ बहुत बड़ा है मुझसे। मुझे तो वो हमेशा काम मैं साइज में कह रहा हूँ साइज में, और मुझे वो काम में भी बहुत बड़े लगते साइज में। जब शादी में जाएं किसी तो लोग कनातों में सुराख करके उसमें से लड़के बनते हैं। आपकी फैन थी? फैन थी यार, आपने फैन से शादी। जब हम फिल्मों में गए और ऐसे ही सुहाग रहते सीन तो 500 आदमी सामने खड़े हुए। पहला रोमांटिक सीन किया फिल्म में इनके साथ क्या? ऑन स्क्रीन रोमांस इज नो फन, रियल चाहते थे रियल हो। अच्छा, अब आप क्योंकि शादी हो चुकी है आप लोगों की और जाहिर है कि आपकी लव मैरिज ही हुई होगी जी, और लव मैरिज ही करनी चाहिए क्योंकि वो आप भी होनी चाहिए वो नहीं अरेंज अरेंज लव हो जाए। बिल्कुल लव अरेंज हो जाता है ना, जब शादी में जाएं किसी तो लोग कनातों में सुराख करके उसमें से लड़के बनते हैं। वो अरेंज मैरिज ही गलत है। नहीं, लेकिन दानिश ने आपको कहाँ पसंद किया? दानिश ने कहाँ पसंद किया मुझे, कहाँ पसंद किया आप खुद ही बताएं। अच्छा भाई, ये बात हम कई दफा बता भी चुके हैं पहले, चले एक बार और। एक सोशल मीडिया की एक साइट होती थी ऑर्कट, इट्स बीन ऑलमोस्ट 8-9 इयर्स नाउ, उस वक्त ऑर्कट एक काफ़ी फेमस थी साइट, तो उसके थ्रू इनसे बातचीत स्टार्ट हुई थी। ये उस वक्त मीडिया में नहीं आई थी और ये मुझे एज ए फैन लाइक करती थी। आप फैन थी? जी, मेरी फैन थी। यार आपने फैन से शादी? अब आपकी कोई फैन नहीं, अब आप इनके फैन हैं। अब जी मैं तो जिंदगी भर के लिए इनका फैन। उन्होंने कैसा, उन्होंने आपने क्या सोच के आपने कहा ये मैं इसकी फैन हूँ और एक दिन आएगा ये मेरा फैन हूँ? ये तो होना था तो हो गया, ये तो होना सोचा तो नहीं था। नहीं सोचा नहीं होगा, आपने प्लान तो क्या होगा ना? नहीं, जब हमने चीजें प्लान की थी तब वो उस तरह हुई नहीं, वो जो हो गई फिर हमने कहा ये ऐसे ही होनी थी। स्टार्ट होने में ऐसी थी, ऐसे ही होनी थी स्टार्ट में। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं शादी करूंगा तो इनसे ही करूंगा, आयशा की तरफ से एज सच वो शादी वाला एलिमेंट नहीं था। ये था कि नहीं अभी, बिकॉज शी वाज टू यंग, वो थी भी बहुत छोटी, तो मैं उस वक्त था, हो गया था, मैं एस्टेब्लिश था, तो फिर मैं चाहता था कि भाई मैं शादी करूं। उस जमाने में किसी को डेट भी नहीं कर रहा था। अच्छा, से अच्छा। तो अच्छा, आपने एक बात दे दी उनको, अब देखें। अच्छा, वाह भाई, आपने बड़े खुले दिल से बताया। हाँ जी, मैं थोड़ा सा मैं ब्लांक। अच्छा, ये डेट पे कैसे ले जाते हैं लड़की को? क्या हो, मैं कान बंद करती हूँ। कैसे ले जाते हैं? छोड़ो मरवाई, अब तो पुरानी बातें हो गई। मेरी तो शादी को भी 2 साल हो गए,
डेट वेट क्या होती है तुम्हें याद ही नहीं? घबरा गए हो? नहीं नहीं आई मीन दे और लोग देखो यार सुबह कुरैशी को 100 साल हो गए कम घबराए नहीं देगा जावेद शेख को 100 साल हो शादी को 2 साल हुए अच्छा शादी को अच्छा चलो शादी तो बेहतरीन मेरे नजदीक दुनिया का काम है जी सिर्फ सेलेक्ट अल्लाह अच्छा करवा दे कि दोनों अच्छे एक दूसरे को मैच कर दें जी हाँ अंडरस्टैंडिंग आप अच्छा अब आपके पेरेंट्स वगैरह आपकी शादी में आए थे ऑब्वियसली आए थे अरे उन्होंने ही हमें बुलाया था उन्होंने ही बुलाया था कि आओ शादी कर लो आ जाओ तुम लोग परसों तो तुम्हारी शादी है उसमें शरीक हो जाओ अच्छा वो रिवायती दुल्हन नहीं आप लग रही मुझे रिवायती रो रही रुखसती हुआ रोई नहीं काफी रोई थी जी हाँ जब नाम सुनते ना आपके अब वाकई जाने वाले तो मैं भी रोने लगता तो देख के अरे भाई तो रोई अच्छा वो लड़की है तो रोती है क्योंकि घर छोड़ के जा रही है वो तो रोती है वो तो होता है अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा रोमांस करना हम लोग जब फिल्में देखते थे तो हम सोचते थे यार देखो ये लड़की जो है ये कैसी सुहागरात में वो घूंघट उठा रहा है बातचीत कर रहा है मोहम्मद अली वही मुराद नदीम फिल्में देख रहे हैं अच्छा जब हम फिल्मों में गए और ऐसे ही सुहागरात का सीन तो 500 आदमी सामने खड़े हुए उस बाद हमारी सोच ये थी कि यार ये कितना अच्छा लग रहा है दोनों अकेले बैठे हुए घूंघट उठा रहा है और वहाँ पहुँचा दी रशीद लाइट होते घर हल्ले कर दे बातें हो रही है लोग बोल रहे हैं कैमरा मैन स्ट्रीट फोटोग्राफर पिक्चर बना रहा है पता नहीं चला रोमांस क्या होता है इंतजाम ही देखते रहे भाई क्या होता है कि नहीं है। तो आपने जब पहला रोमांटिक सीन किया फिल्म में वो इनके साथ किया नहीं सर इनके साथ नहीं किया दूसरा ये कि ऑन स्क्रीन रोमांस इज नो फन वो उसमें एक रियलिटी नहीं होती है वो तो एक क्या आप रियल चाहते थे रियल हो वो आपके सवालों से बच मैं, रहे हैं मैं उसी तरफ आ रहा था आपके सवालों से बच रहे हैं वो नहीं रोमांस बचेंगे तो नहीं बचेंगे ना वो मैं ले आऊंगा अपने जगह पर उनको ले आऊंगा आराम आराम से लाऊंगा सो ऑन रोमांस इज नो फन है शार्प है तैयारी शार्प है शार्प है इधर जा रहा है इधर जा रहा है आ जाएगा अच्छा बच्चा अच्छा पहला शॉट दिया रोमांटिक दिया होगा आपने नहीं सर रोमांस तो नहीं था आर यू टॉकिंग अबाउट फिल्म्स और आप ड्रामे की बात कर रहे हैं बिकॉज़ मेरा स्टार्ट ड्रामे से था नहीं आपका स्टार्ट ड्रामे से मगर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मूवीज सर पहली फिल्म मेरी एक क्राइम कैपर मूवी थी एक एक्शन थ्रिलर थी तो उसमें मुझे रोमांस का चांस मिला नहीं पूरी फिल्म के अंदर कोशिश आप क्यों इसमें घुमा नहीं सर नहीं मेरी बिल्कुल कोशिश नहीं थी दूसरा मुझे ये लगता था कि जब मैं दूसरी फिल्म कर रहा था यासिर साहब की तो उसमें थोड़ा बहुत चांस तो नहीं बस ये था कि उसमें कहीं कहीं वो कैरेक्टर लड़की के साथ कोई ऐसी बात कर जाता था रोमांस का चांस मुझे उसमें भी नहीं मिला था नहीं नहीं उसमें तो आपके साथ दो दो लड़कियां थी नहीं मैं चांस की बात कर रहा हूँ रोमांस कर रही थी ये नहीं कर रहे वो दो कर रही थी अभी भी कई लड़कियां रोमांस की नियत थी लेकिन अमल में नहीं थी इनसाइड थिंकिंग थी नियत थी कि यार अगर कभी मुझे ऐसा रोल ऐसा सीन मिले तो मैं तो अंत कर दूंगी नहीं सर वो आपकी बात सच तीसरी फिल्म में हुई मेरी अभी एक फिल्म आने वाली है तुम ही हो संगीता जी ने डायरेक्ट की है वो ऑल इन ऑल खुद रोमांटिक है वो ऑल इन ऑल एक रोमांटिक मूवी है आई थिंक आप उसको काफी एंजॉय करेंगे उसके बाद फिर हम आपके शो पर आएंगे हां जरूर मैं तो कहता हूं सीख के तो आओ सारे काम सीख लो इनको देख के आपके दिमाग में कौन सा शेर गाना कोई तस्वीर क्या आता है इनको देख के आप सर इनको देख के बस प्यार आता है मुझे उसका बिल क्या आता है बस ये ना पूछे आप ये मैंने सही बात पूछ ली ये मैंने सही बात पूछ ली ये अच्छा, ना पूछे अब
एक चीज़ हम जो पसंद करते हैं, आप भी पसंद करते हो, कि प्रोग्राम के बीच में सिलसिला चलता ही रहे मगर कुछ कमर्शियल तकाजे हैं। हमें अपने चैनल को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, इश्तहारों से पैसा लेते हैं हम। ब्रेक। हमारे प्रोग्राम में आज मेहमान जो है इतनी मोहब्बत वाले हैं, बोले आप कैश दे दीजिए। प्यार भरे, प्यार भरे या गिलास भरे। ये जो भी गीत गाते हैं सोचते मेरे लिए गा रहे हैं। आप कब तक इस गलत फहमी में रहेंगे? वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे गए थे हम और आ गए हम। तो क्या है गम? चीनी कब? ये भी एक फिल्म का नाम था, चीनी कब। बहरहाल हमारे प्रोग्राम में आज मेहमान जो है वो इतने अच्छे हैं, कोई बात नहीं, कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, इतनी मोहब्बत वाले हैं, बोले आप कैश दे दीजिए। नहीं ले रहे कोई चीज़ भी नहीं, ना तैमू ना भाभी कुछ भी नहीं ले रहे, ये पता नहीं क्या हो गया। भारत अच्छा है, नहीं खाना चाहिए, ना खाना अच्छा है, खाने से ना खाना अच्छा है जी, इसीलिए नहीं खाते, कम नहीं, खाते हैं। कम अच्छा, आप लोग भी घर जाएं छोड़ दे खाना भी। डाइट पे आए, डाइट। और आपको क्या पता डिफेंस में गाय भैंसे भी कम खा रही है। यकीन करें वहाँ के लोगों ने अपना बना लिया कि भाई हमने जानवरों को भी डाइट करानी। अच्छा सर, हम दोनों में से डाइट कोई नहीं करता है। नहीं करते, बट आई बिलीव इन टोन बॉडी, तो मैं आई वर्कआउट ऑन डेली बेसिस। नहीं वो ऐसा ना हो कि आदमी लागर कमजोर अजीब सा लगने लगे। हाँ, का मतलब ये नहीं है, बल्कि आप बहुत सी ऐसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप फ्रेश हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, फ्रूट ज्यादा हो या जूसेस ज्यादा हो, बजाय कि आप नान और रोटियां खाएं और दावतें उड़ाएं कोर में। नान भी वो नहीं कि एक नान खा ले, नान उसका नाम भी नान। अच्छा, लेकिन आज आप खाना कम खाती हैं, लेकिन शॉपिंग में कैसी हैं? दानिश ये तंग करती हैं, एक्सपेंसिव शॉपिंग करती हैं, ब्रांडेड? मैं इनके साथ कम जाता हूं शॉपिंग करने, क्योंकि मैं मैं इनके साथ एक आदमी ने जाना ही छोड़ दिया। ब्रांड कॉन्शियस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, जो अच्छा लगता है पहनती हूँ, पहनाती हूँ अपनी छोटी को भी। दो तीन दफा गया हूँ इनके साथ, आपको सुना नहीं क्या? इतनी ज्यादा शॉपिंग करती है कि मैं कहता हूँ मैं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, मुझे होता है कि पहले मैं देख लूँ किस किस शॉप पे क्या चीजें हैं, ये मेरी आदत है, मैं वो पहनती हूँ जो कोई और ना पहन रहा हूँ, और फिर सब ले लेती है, और दो तीन हफ्ते बाद मुझे सुनने को मिलता है मेरे पास तो कुछ पहनने को ही नहीं। ये तो टिपिकल जुमला है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ। आप यकीन जाने इसकी वार्डरोब में कपड़े रखने के लिए भी जगह नहीं है, और जब ये सुनता हूँ मैं कि हमारा काम ऐसा है, वरना हम ऐसा नहीं है कि हमें बहुत शौक है, आम औरतें भी बहुत कपड़े बनाती हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक, जो इस फील्ड में नहीं, हम लोग का तो पहनना है इस फील्ड में, तो बहाना है, और दुनिया देखती है तो ये प्रेजेंटेशन ही होती है। जी हाँ जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज हमारे साथ तो क्योंकि लकी अली, ये सजाद अली भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, बड़ा ऑनर है, बहुत अच्छी आवाज है माशाल्लाह, कमाल कमाल, बहुत अच्छा। आपको क्या गाने पसंद है, गाने में क्या पसंद है आपको? गाने ऐसे मुझे खाने में क्या पसंद है? माय मूड, मुझे तो जब मूड होता है कुछ। अगर आपका मूड उदास है तो जरा बहुत मेडिटेशन छिड़ना, जरा देखो मैं घरेलू माहौल बनाना। उदासी से क्यों शुरू किया?
प्यार भरे, ये उदास तो नहीं है गाना। प्यार भरे या गिलास भरे? प्यार भरे, प्यार भरे, सही है। प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल। अरे वाह, अरे वाह, बस इस तरह नहीं सुन सकता। इसमें उदासी कहाँ है? गाना मेरे यहाँ रखता, बात कर दे। इसमें तो उदासी नहीं है, प्यार भरे तो प्यार दो भाभी है इसमें है। क्या वर्ड है जिससे उदासी? इनको पूछ लिया कि ना बता देंगे। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, ये नैन ही नहीं है आजकल मार्केट में जो शर्मीले हो वो नैन नहीं है मार्केट। हाँ नहीं है यार, झूठा गाना गा रहा है। ये उस वक्त का गाना गा रहे उस वक्त तो थे ना। जब लिखा गया था उस वक्त होंगे शायद, अब तो नैन ही नहीं है। नैन ही नहीं, अब तो आदमी यूं देख रहा होता है औरतें क्यों देख रही है। शर्मीले नैन का ठीक है। तैमूर भाई का बड़े भाई हैं हमारे। साइज में, उम्र में, ये आप बताएं। साइज में मुझसे बड़े। तो ये जो है गीत कभी आपके लिए कुछ गाते हैं? नहीं सर, ये जो भी गीत गाते हैं सोचते मेरे लिए गा रहे हैं। वैसे सबसे आप कब तक इस गलतफहमी में रहेंगे? ये खुशफहमी है। अच्छा ये बताइए सबसे ज्यादा कौन सा गाना गाते हैं? गाते हैं वो डिपेंड करता है कौन सा अच्छा लग रहा है। कौन सा सबसे ज्यादा गाया इन्होंने आज तक जब से आपसे मिले हैं? तो कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं है, कोई एक तो होता है फेवरेट यार, वो गुनगुनाता ही रहता है। नहीं अक्सर बहुत से गाने टाइम के साथ जो आपका वो फेवरेटिज्म है ना गानों में वो चेंज। अच्छा दोपहर में क्या गाते हैं आप? सॉरी कम अगेन, टाइम में दोपहर में क्या गाते हैं? दोपहर में सर में शूट सो जाते हैं। सो जाते हैं। अच्छा शाम में क्या गाते हैं? शाम की चाय के साथ। शाम की चाय के साथ एक गर्म चाय की प्याली हो पिलाने वाली। और पिलाने वाली मिल गई है मुझे। चलो मजा। नहीं लेकिन अभी क्या सुनाएंगे आप हमें? गाना कह रही हैं आप? हाँ? नहीं नहीं मैं गाना कहाँ सुना सकता हूँ आपको, मेरी आवाज़ से लगता है कि मैं गाना गाता हूँ। अभी तो आयजा ने कहा वो गाने सुनाते वो तो नहीं, घर में मैं तो वॉशरूम में नहाते वक्त कुछ गा रहा हूँ तो उसको आती होगी आवाज़। गाना गाना अलग से बैठ के नहीं गाते, अलग से महफिल नहीं होती हमारे घर में गाने। गाना नहीं गाता मैं। नहीं बहुत बुरी अपने ऊपर पिक्चराइज भी मत करो, ऐलान कर दो। नहीं वो तो आई वुड लव टू डू दैट। आप यकीन करें ये शो में इंतहाई वाकई में उमर शरीफ शराफत से करा। लड़कियां कार्ड निकालें या पिस्तौल, ताली जरूर बजाएं। ताहिर शाह की 5 खूबियां बताइए। सर आई डोंट नो हिम पर्सनली। आप जीत चुकी हैं, जाते वक्त आप ये सोफा अपने साथ ले जाते। अगर इस साइज के फरिश्ते होंगे मिसाल के तौर पे आप सोचिए ये उड़ेंगे कैसे।